सहरसा पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में जिले को नशा मुक्त बनाने एवं शराब तस्करों के विरुद्ध जो है लगातार कार्रवाई एवं अभियान जारी है। इसी क्रम में कल दिनांक 23/8/24 को रात्रि 10 बजे सौर बाजार थाना अध्यक्ष को ये सूचना प्राप्त हुई कि एक विदेशी शराब की बड़ी खेप जो है जिले में आने वाली है। सूचना के सत्यापन उपरांत जो है पुलिस अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इस टीम में मुख्य रूप से सौर बाजार बैजनाथपुर थाना इसके साथ साथ डीआईयू की टीम शामिल थे। सूचना के सत्यापन और उसके बाद आवश्यक कार्रवाई हेतु जो है सौर बाजार और बैजनाथपुर के बीच जो है सघन गश्ती लगाई गई। सौर बाजार थाना गेट के पास भी वाहन चेकिंग जो है प्रारंभ किया गया। वाहन चेकिंग के क्रम में ही जो है एक 12 चक्का का ट्रक जो है आ रहा था, उसे शक के बेसिस पे जो है उसे रोका गया। रोकने पे जो है उसमें से जो ड्राइवर है और उसका जो खलासी है वो भागने लगा, जिसे वहाँ पे वाहन चेकिंग में लगे सशस्त्र बल के द्वारा जो है पकड़ा गया। ट्रक की जो है विधिवत तलाशी ली गई। तलाशी लेने पे ट्रक के खाने में से जो है रॉयल स्टैग की 86 कार्टून, उसके साथ साथ इंपेरियल ब्लू की 32 कार्टून, टोटल कुल मात्रा जो शराब की जो है 1060 लीटर 500 ml जो है बरामद हुई है। इसमें साथ ही साथ ट्रक को उसके साथ जो दोनों जो चालक और खलासी थे उन्हें जो है विधिवत गिरफ्तार किया गया है। जो गिरफ्तार हुए अपराधी हैं उनका नाम है प्रीतम कुमार, पिता स्वर्गीय हरिप्रसाद यादव, वार्ड नंबर 14, ये मधेपुरा के रहने वाले हैं। इसके साथ साथ कर्ण कुमार, पिता स्वर्गीय कुंदन शाह, और ये जो है गणेश स्थान वार्ड नंबर 14 मधेपुरा, दोनों मधेपुरा के रहने वाले हैं। टीम में मुख्य रूप से जो है शामिल जो हैं उसमें से सौर बाजार थाना प्रभारी अविनाश कुमार, बैजनाथपुर थाना प्रभारी अरमोद कुमार, जिला सूचना इकाई की टीम थी। जो बरामद सामान हुए हैं उनका जो अनुमानित राशि है वो 22 लाख रुपए के आसपास है।